अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय गोल्डन किचन। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक। आज हम आपके लिए चने दाल की रेसिपी लाए हैं। ये हम आज ढाबा स्टाइल में बनाएंगे, जैसे ये होटल वगैरह में मिलती हैं। तो इसके लिए हमने 2 कप चने की दाल ली थी, इसको हमने आधा घंटा भिगो दिया था और फिर हमने इसे चूल्हे पे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इसे हमने थोड़ा सा नमक डाल के और पानी तो इसे बॉईल कर लिया और ये अच्छे से गल गई है। तो इसके लिए बाद में जो हमने मसाला तैयार करना है, मसाले में एक हमने मीडियम प्याज लिया, उसे हमने बारीक काट लिया, 2 अदर टमाटर ब्लेंड किए हुए, 1 कप हमने ये लिया इसका ऑयल, आधा हम तड़के के लिए यूज़ करेंगे और आधा ये मसाला भूनने के लिए, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी, और हरी मिर्च जाएगी 2-3 अदद हमने काट ली हैं बारीक, 1 लहसुन की गट्टी हमने पीस ली है, ज़ीरा है थोड़ा सा 1/2 टीस्पून और 2-3 स्टिक है दालचीनी की, और अदरक हमने और वो धनिया गार्निश के लिए गरम मसाला थोड़ा सा डालेंगे और साबुत लाल मिर्च, ये हम इसका बघार लगाएंगे। तो चले जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कढ़ाई हमने रख दी है चूल्हे पे, गैस ऑन कर लिया है, 1/2 कप हम इसमें डालेंगे और 1/2 तड़के के लिए यूज़ करेंगे, और ये प्याज हमने इसमें डाल दिया है और इसे हमने लाइट गोल्डन करना है। अब ये दालचीनी हमने डाल देनी है और ये ज़ीरा डाल देना है और साथ में ये लहसुन डाल देना है और इसे हमने 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। ये लहसुन भुन चुका है और ये मसाले चले जाएंगे सारे इसमें, और साथ में ये हरी मिर्च डाल देनी है हमने, और ये जो टमाटर हमने डाले हैं चॉप किए हुए ये डाल देने हैं, और इसे हमने अच्छी तरह मसाले को भूनना है कि तेल जो है वो अलग हो जाए। ये देखें ये मसाला अच्छे से भुन गया है, थोड़ा सा हमने पानी डालना है 2-4 टेबल स्पून ताकि इसे और अच्छी तरह हम भून लें। अब ये जो हमने बॉयल दाल है ये इसमें डाल देनी है और इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो मसाले वगैरह हैं वो सारे दाल में जज़ब हो जाए। साथ में हमने ये 1/2 कप पानी डाल देना है। मसाला भूनते हुए तकरीबन हमें 5-6 मिनट लगे हैं, 5-6 मिनट में मसाला जो है वो हमने भून लिया था और इसमें हमने अब 1/2 कप पानी डाल दिया और इसे हम हल्की आँच पर थोड़ी देर दम पर रखेंगे हल्की आँच पर। इसे तकरीबन 4-5 मिनट हमने दम पर रखा है। तो अब ये जो गरम मसाला ये हमने डाल देना है, आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। ये गरम मसाला हमने डाला है, इसे आपने मिक्स करना है और इसे हमने फिर उतार के तो पैन पे हमने तड़का लगाना है। अब इधर हमने पैन ले लिया, पैन में हमने ये ऑयल डाल दिया जो 1/2 कप बचा था, ये ऑयल जो है गर्म हो गया। अब इसमें हमने ज़ीरा डाल देना है और साथ में ये साबुत लाल मिर्च, ये ज़रा कड़कड़ाएंगे तो फिर हम बघार लगाएंगे दाल के ऊपर। हाँ चले, ये इसके ऊपर हमने बघार लगा देना है, ये देखें ये बहुत टेस्टी और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, तो हम इसे डिश आउट करते हैं। ये हमने तड़का लगा दिया, हरा धनिया ऊपर से हमने गार्निश के लिए डाल देना है, और ये अदरक जो कटी हुई है बारीक ये डाल देनी है, और आपने तंदूर की रोटी के साथ खाना ये बहुत टेस्टी लगती है, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट देने हैं। शुक्रिया।